Good evening students, as you all know, हमने last class में rotational motion start किया था और ये rotational motion की second class है, but ये पूरा chapter जिसमें हम center of mass और rigid body dynamics एक साथ पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखोगे, so this is going to be the 8th class. So ये वैसे तो 8th class है पूरे इस topic का, center of mass and rigid body dynamics, but हमने रोटेशनल मोशन लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, बहुत फंडामेंटल्स रोटेशनल के डिस्कशन किया था, क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए रिजिड बॉडी के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में की है. इन टुडेज क्लास विच इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड क्लास ऑफ रोटेशनल मोशन, विल टॉक अबाउट मोर अबाउट रोटेशनल मोशन, और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन मैं लेटर ऑन करूँगा कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए. So we'll talk about that also. मैं आपको सबसे पहले एक बार रिकॉल करवा देता हूँ लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, क्या चीज़ें पढ़ी हैं. ये मैं आपको एक क्विक समरी देता हूँ. और मोशन, रोटेशनल मोशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रोटेशनल मोशन अगर आप देखो तो ब्लू रॉड का अलग तरह का रोटेशनल मोशन है, और जो वाइट है उसका भी रोटेशनल मोशन है, जो येलो रॉड है ये कंबाइंड मोशन है, मींस देयर इज अ सेंस ऑफ रोटेशन, लेकिन इसमें ये सुपर इम्पोज्ड है किसी और मोशन के साथ भी. इट मे बी समटाइम्स ट्रांसलेटरी मोशन जैसा रोलिंग के केस में होगा, और कुछ और भी हो सकता है. जैसे मैं इस मार्कर को घुमा के ऊपर फेंक दूं तो ये इसका सेंटर ऑफ मास विल मूव इन पैराबोलिक पाथ, और ये पैराबोलिक पाथ में मूव करते करते रोटेट भी कर सकता है. तो इस तरह के मोशन होते हैं. फिर उसके बाद मैंने आपको इस स्लाइड के थ्रू ये क्लियर किया था कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कभी सर्कुलर बोल देते हैं, कभी हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं. तो रिजिड बॉडी में ज़्यादा रोटेशनल मोशन का सेंस है, पॉइंट मास है अगर तो वो आप सर्कुलर मोशन पे ही घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर आप रिजिड बॉडी बोल रहे हो, उसका सिग्निफिकेंट डायमेंशन है, तो फिर हमें रोटेशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए. इस मोशन पे आप देखो जो बाइकर है वो अपने किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसका दूसरा पॉइंट रोटेट नहीं कर रहा है, अभी भी पैर के रिस्पेक्ट में हेड ऊपर की तरफ है, यहाँ भी पैर के रिस्पेक्ट में हेड ऊपर की तरफ है, पैर के रिस्पेक्ट में हेड ऊपर की तरफ है, यहाँ पे भी वही है. सो मोशन इज अ सर्कुलर मोशन, बट इट इज नॉट अ रोटेशनल मोशन. इसमें देखो ये आप इसका सेंटर ऑफ मास देखोगे, ये अभी भी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है. इन इट सेंटर ऑफ मास आप अगर उसके फ्रेम में देखो सेंटर ऑफ मास पे, तो सेंटर ऑफ मास जो है उसका मोशन अभी भी सर्कुलर मोशन है. लेकिन आप अगर बाइकर का मोशन देखो तो पैर के रिस्पेक्ट में सर अभी अपवर्ड डायरेक्शन में है, अभी इधर लेफ्ट में, अभी इधर नीचे, अभी इधर राइट, वापस स्ट्रेट अपवर्ड्स. तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट ऑन दिस बाइकर, इंक्लूडिंग दैट बाइक ऑल्सो, आप अगर किसी दूसरे पॉइंट का मोशन एनालाइज करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन में जा रहे हैं. इसीलिए इसका मोशन आप देखो, यहाँ से ये ऐसे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से ये ऐसे आया, और फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे. तो ये एक डिफरेंस है इस डायग्राम में, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या सर्कुलर मोशन है और क्या रोटेशनल मोशन है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप अगले स्लाइड में आओ. इसमें कार का एक एग्जाम्पल दिया था कि आप कार को किसी मोमेंट पे अगर देखना चाहते हो, आप देखो जैसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी, मैं इसको रोक देता हूँ, कार यहाँ पे रुक गई. अब ये जो कार स्टेशनरी है उसका ओरिएंटेशन देखो, ये बैकलाइट, ये फ्रंट है, तो फ्रंट अभी इस डायरेक्शन में मुड़ा है. और अब अगर हम कार को चला देते हैं और यहाँ पे रोक देते हैं तो कार का इधर डायरेक्शन है. फिर आप देखो अगर आप कार को यहाँ रोकते हो तो कार का फ्रंट इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कार का फ्रंट अगर मैं इस व्हाइट पॉइंट से मार्क करूं तो कार ऐसे नहीं चल रही है. कार ऐसे बच्चों नहीं चल रही है. कार कैसे चल रही है, इस तरह से. कार का जो डायरेक्शन है वो ऐसे चेंज हो रहा है. तो आप देखो तो उसका जो पॉइंट है, अगर सेंटर ऑफ मास का मोशन देखोगे तो वो सर्कुलर मोशन है, नो डाउट. बट सिंस ये एक रिजिड बॉडी है तो किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप दूसरे पॉइंट को देखते हो, सो इट विल मूव इन अ सर्कुलर मोशन. मतलब अगर आप इसके बैक एंड पे एक पॉइंट इमेजिन करो और उससे पूछो कि फ्रंट एंड वाली जो हेडलाइट्स हैं उनका मोशन कैसा है, तो बताएगा कि सर्कुलर मोशन है. इट विल बी अ सर्कुलर मोशन, उसको सर्कुलर मोशन लगेगा. तो इस एग्जांपल में आपको बताया था
फिर एक स्पेशल टाइप का मोशन है जिसमें कॉम्बिनेशन है, रोटेशनल मोशन है, यह भी बच्चों रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन विल बी सर्कुलर मोशन। फिर अगर मैं इसमें ट्रांसलेटरी मोशन देखूं तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा जो पॉइंट है वो रेस्ट पे है, इट इज मूविंग लाइक दिस, इट इज मूविंग लाइक दिस, दोनों का सुपर इम्पोज अगर करें इट बिकम्स रोलिंग, ये रोल भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ये भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। बट इस मोशन में प्योर रोटेशन और ट्रांसलेटरी मोशन ये दोनों हमने मिक्स किया है। तो एक इस तरह का मोशन आपको मैंने बताया था। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आप इसमें भी रोटेशनल मोशन देख सकते हो, जो फैंस हैं आप सैटेलाइट या जो भी आप स्पेसशिप इसको मान लो, तो उसका जो फैन है वो फैन देखो यहाँ पे अपवर्ड है, यहाँ पे वेस्ट साइड पे है, यहाँ पे साउथ और वहां पे ईस्ट, तो जो फैन के ब्लेड्स हैं उसका ओरिएंटेशन आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखो तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप नीचे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक ये मोशन आपको एनालाइज करवाया था। उसके बाद अगर कोई रोटेट कर रहा है, कोई भी बॉडी रोटेट कर रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्सिस आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक्सिस के अबाउट ही सारे पॉइंट्स जो हैं वो सर्कुलर मोशन में जा रहे होंगे। अगर वो फिक्स्ड एक्सिस है तो किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट आप बहुत सारे पॉइंट्स का अगर मोशन देखोगे, एक रॉड मे बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ मेनी पॉइंट्स, आप एक रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स इमेजिन कर सकते हो, और अगर कोई रॉड रोटेट करता है तो उसमें जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का जो मोशन होगा इट विल बी अ सर्कुलर मोशन। जैसे इस व्हील में आप देखो, तो अगर आप देखो ये स्पोक्स नहीं भी हैं, ये तीलियां नहीं हैं, तो भी मैं टायर को घुमा सकता हूं समाओ, बट अरेंजमेंट कनेक्शन का बनाना था इसलिए हम स्पोक्स यूज करते हैं। तो अगर आप इसका मोशन देखो तो जो सर्कमफेरेंस में पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे जा रहे हैं, अगर आप उनको पॉइंट लो, और अगर आप पूरा सिस्टम ले लो कि नहीं वो रिंग है, मैं उस पूरे को एक रिंग की तरह कंसिडर कर रहा हूं, जो टायर है पॉइंट से आगे बढ़ जाए हम, तो उसका जो मोशन है वो आपको देखने में सर्कुलर मोशन लग रहा है, लेकिन अगर रिंग के किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट का मोशन भी आप देखोगे तो बोलेगा कि इट इज अ सर्कुलर मोशन। तो ये जो मोशन है रिंग का इट इज अ रोटेशनल मोशन, और वो रोटेशनल मोशन किसी एक एक्सिस के अबाउट हम डिफाइन करते हैं। इस एक्सिस के अबाउट आप रिंग पे कोई भी पॉइंट्स लो, वो सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन में घूम रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर एंड इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। और आपको एग्जांपल भी बताया था अगर याद हो, कि आपके घर पे सीलिंग फैन है, फैन देखो, फैन पे एक छोटा सा रॉड नीचे आ रहा है, देन यू विल हैव थ्री ब्लेड्स, तो ये जो छोटा सा रॉड है उसी को एक्सटेंड कर दो, समटाइम्स इट विल बी इनविजिबल, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि यार इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और समटाइम रॉड वगैरह से आपको एक्सिस दिखेगी। तो एक्सिस के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद आज की जो क्लास है, इस क्लास में बच्चों मैं आपको एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उसका रीजन ये है कि आज की क्लास में जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव करेंगे बहुत सारे फिगर्स के लिए, बहुत सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए, दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। बहुत सारे डाउट्स भी हमारे रहते हैं कि क्या कंपैरिजन है उसका मास के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये व्हील से ही स्टार्ट करूं। इस व्हील में अगर आपने कभी वीडियो देखा हो, टीवी में कुम्हार को देखा है, तो कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक व्हील होती है। अब आजकल तो मोटराइज्ड व्हील है, बट पहले क्या होता था कि वो एक अपने व्हील को घुमा देता था और फिर उसके बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। तो जो मिट्टी का बर्तन बनाने का प्रोसेस है उसमें एक वो बड़ी सी व्हील यूज करता था, और उस व्हील को रोटेट करने के बाद वो आराम से 15 मिनट्स, हाफ एन आवर आराम से बहुत सारे मटके एक साथ बनाता था, और ऐसे उसका लाइफ चलता था। अब आजकल मशीन्स भी यूज करते हैं वो, तो बहुत लंबे टाइम तक आप उसको कर सकते हो। तो जो उसका वो अरेंजमेंट है व्हील वाला, जिसकी वजह से वो अर्थन पॉट्स बना रहा है, वो व्हील बहुत छोटी क्यों नहीं है, वो व्हील और बड़ी होती तो क्या है, या उस व्हील को अगर उसने घुमा दिया तो 15 मिनट्स तक घूमे ही जा रही है, वो बहुत सारे बर्तन बना ले रहा है, क्या इसका मतलब है समझ नहीं आ रहा है।
और क्या वो जो व्हील है उसको हम बहुत हल्की व्हील कर दें तो भी क्या हाफ एन आवर तक उसको घुमाने के बाद वो चलता रहेगा और वो बहुत सारे बर्तन बना पाएगा मिट्टी के। तो ये एक टर्म हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे जिसमें आप उसमें भी आपकी समझ बढ़ेगी कि क्या मतलब है उसका। तो एक मैंने आपको अर्थन पॉट वाला एग्जांपल दिया जिसमें आप इसको व्हील इमेजिन कर सकते हो, यहाँ से मिट्टी के बर्तन निकल रहे हैं और आप कर सकते हो। एक और मैं आपको बच्चों क्लिप दिखाता हूं, आप इस एथलीट को देखो ध्यान से। तो इसका जो मोशन है आप देखना, इसका जो मोशन है उसके मोशन में आपको चेंज दिख रहा है। अभी अभी जब उसने अपने लेग स्प्रेड किए हैं उसका जो रोटेशन है वो आप देखो, अभी अपने लेग को फोल्ड कर रही है, पास में लेके आ रही है, अब इसका मोशन आप देखो, इसमें कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है और वो डिफरेंस दिखना चाहिए। क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को, तुम लोगों को क्या डिफरेंस दिख रहा है इसके रोटेशन में, ठीक है? और एक इमेजिनरी एक्सिस भी आप क्रिएट कर सकते हो कि ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है। तो इससे पास होने वाली आप एक इमेजिनरी एक्सिस क्रिएट कर सकते हो दिमाग में कि इस एक्सिस के अबाउट सर रोटेशन हो रहा है इसके बॉडी का। तो पहले तो उसने लेग एक लेग स्प्रेड किया है और उसके बाद उस लेग को वो पास में लेके आ रही है, तो उसका एक चेंज आपको समझ में आना चाहिए जो मैं समझाना चाह रहा हूं। और वो चेंज है बच्चों इसके रोटेशनल स्पीड में चेंज, इसके रोटेशनल स्पीड में चेंज। एक प्रिंसिपल है जो हम आगे पढ़ेंगे, इट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो उसका कुछ फॉर्मूला होता है और इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, एक है एंगुलर स्पीड और दूसरा जो टर्म आज हम पढ़ेंगे। तो जो एंगुलर स्पीड वाला टर्म है वो इनटू दैट अननोन टर्म जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो कुछ तो चेंज हुआ, जब उसने लेग अपने स्ट्रेच कर रखे हैं तब उसका ओमेगा कम है और जब उसने लेग अपना फोल्ड कर लिया, दोनों पैर पास में आ गए, तो उसका ओमेगा इंक्रीज हो जाता है। सो देयर मी दैट मींस कि इस एक्सिस के अबाउट पैर को स्ट्रेच करना या पैर को फोल्ड करके उसी एक्सिस पे लेके आने पे कुछ तो बदल रहा है, कुछ तो बदल रहा है। और विल टॉक अबाउट इट कि क्या बदल रहा है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप ये देखो, आप ये देखो और आप मुझे देख के बताओ कि इसमें आप फिगर आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या। ये जो लाइट ब्लू है इट इज अ ब्लॉक, नॉर्मल ब्लॉक, ये आपका सॉलिड सिलेंडर है, आप इसको डिस्क भी बता सकते हो। दिस इज हॉलो सिलेंडर जो दूसरा ब्लू है और इट कैन बी रिंग ऑल्सो। देन वी हैव टू बॉल्स, एक रेड और एक ग्रीन, इनमें से एक सॉलिड स्फेयर है और एक हॉलो स्फेयर है। लेटर ऑन विल डिस्कवर कि कौन सॉलिड होना चाहिए कौन हॉलो होना चाहिए। मैं आपसे अभी क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है। ये एनिमेशन देख के आप बता सकते हो मुझे कि विच वन इज सॉलिड स्फेयर। मैंने बता दिया कि दो ही बॉल्स हैं, आपको दिख रहा है डायग्राम में रेड और ग्रीन। कैन यू टेल मी विच वन इज अ सॉलिड स्फेयर एंड विच वन इज हॉलो स्फेयर, कोई बता सकता है क्या? आप लोग ट्राई कर लो, हम आगे पढ़ेंगे बट आप अपना आंसर दे सकते हो, एटलीस्ट यू कैन मेक अ वाइल्ड गेस कि सर मुझे ये लग रहा है। और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई की है तो वो बता सकते हैं, वो बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं क्यों इस एनिमेशन को अभी यूज कर रहा हूं, मैं आगे भी यूज करूंगा और आपको इसमें न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो इस एनिमेशन को यूज करने का मेरा जो पर्पज है वो तुम्हें ये बताना कि इन सभी फिगर का अगर मैं मास इक्वल ले रहा हूं, सपोज आप इमेजिन कर लो इन सबका मास इक्वल है, तो भी नीचे पहुंचने का जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे ये रोल करके आएंगे, ये बेचारा रोल नहीं कर सकता, ये तो स्लाइड करके आ रहा है, और बाकी सब जो आ रहे हैं उसमें जो सबसे पहले नीचे पहुंच रहा है वो, आप अगर इसको हटा दो, इसका तो रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप ब्लू ब्लॉक को हटा दो, वो जो चार फिगर्स हैं उस पर कमेंट करते हैं, और जो चार फिगर्स हैं उस पर आप ये समझो कि सबके नीचे आने का टाइम अलग अलग है, भले ही सबका मास इक्वल है लेकिन सबके नीचे आने का जो टाइम है वो टाइम बच्चों सबका अलग अलग है, बिल्कुल अलग टाइम, ठीक? तो अगर मासेस इक्वल हैं, हम नॉर्मली तो पढ़ते हैं कि यार अगर सिर्फ ब्लॉक्स ही लेते हैं, लेता मैं एक ब्लू ब्लॉक्स ब्लॉक लेता, एक ग्रीन ब्लॉक लेता, एक येलो लेता, अगर सबके मासेस इक्वल होते तो सब एक साथ नीचे आते। अब अगर मैंने इनके मासेस भी इक्वल लिए हैं, ग्रीन रेड दिस ब्लू रिंग एंड येलो सॉलिड सिलेंडर, बट इनके नीचे आने का टाइम तो सेम नहीं है, इसका मतलब वापस इस बार नीचे आने का जो टाइम होगा इट विल डिपेंड ऑन समथिंग एल्स, इट विल डिपेंड ऑन समथिंग एल्स।
तो ये चीजें हमें समझनी है बहुत अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्या क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, और वो रोटेशनल मोशन में बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। उस क्वांटिटी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट क्वांटिटी इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका क्या फॉर्मूला है, उसको हम कैसे किसके अबाउट डिफाइन करते हैं, वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। और आज की क्लास हमारी उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बिल्डअप करने पे ही जाएगी। हम उसका बेसिक से पार्ट करेंगे, कहाँ से निकल के आया, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम लगाएंगे। बट फॉर नाउ आप ये समझ सकते हैं कि देयर इज समथिंग कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सिर्फ मास के बेसिस पे हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन जो है नीचे सबसे पहले आएगा। मास के बेसिस में सिर्फ बता देना कि कौन नीचे पहले आएगा, ये बेवकूफी है। अगर ये प्योर रोल करके आ रहे हैं, रोटेट करके आ रहे हैं, ये जो चार फिगर है, आप ब्लॉक्स को छोड़ दो, ब्लॉक तो ऐसे ही हमने बना रखा है, तो ये जो चार फिगर है इनका नीचे पहुंचने का टाइम सेम नहीं है। उसमें जब वो लड़की अपने पैर को स्ट्रेच करती है, उसका ओमेगा कम है, पैर को फोल्ड किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ चेंज होता है, और उस चेंज की वजह से ओमेगा में चेंज होता है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड, उन दोनों का प्रोडक्ट है। और अगर वो उन दोनों का प्रोडक्ट है और वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है अंडर सर्टेन कंडीशन, तो अगर आई छोटा होगा तो ओमेगा विल इंक्रीज, और अगर आई बड़ा होगा तो ओमेगा विल डिक्रीज। और ओमेगा कम तब था जब उसने पैर स्ट्रेच कर लिए थे, और जब वो पैर को वापस अपने एक्सिस पे लेके आती है तो ओमेगा बढ़ जाता है। ओमेगा बढ़ा यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ। तो मास तो उस लड़की का उतना ही है एम, मास में चेंज नहीं आया, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है वो अपने आर्म्स स्ट्रेच करे, वो अपने पैर स्ट्रेच करे, एक्सिस से दूर लेके जाए कुछ मास को अपने बॉडी के, तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है और इसलिए ओमेगा कम होता है। और जब वो अपने पैर को पास में लेके आती है या हाथ को वापस फोल्ड कर ले, सो इन दैट केस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो ओमेगा बढ़ जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैज टू डू विथ मास, नो डाउट, बट इट हैज टू डू विथ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑल्सो। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस के अबाउट, एक्सिस से जितना दूर है आई की वैल्यू उतना ज्यादा होगा। ऑलराइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझाने के लिए बच्चों मैं आपको एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल करा रहा हूं। सबसे पहले सपोज मेरे पास एक ये डायग्राम है, वी हैव अ स्मॉल बॉल, इसका कोई डायमेंशन मत समझो आप, बहुत टाइनी बॉल है बट विथ मास एम, और इट इज एट अ डिस्टेंस एक्स और आर, आप किसी भी डिस्टेंस पे इसको रख सकते हो। तो सपोज मैं जो है इसका कलर बदल देता हूं, मतलब इसका डायमेंशन मैं बदल देता हूं, लेट दिस डिस्टेंस बी आर। आप ये जो डिस्टेंस है ये बच्चों डिस्टेंस आप आर ले लो, लेट दिस डिस्टेंस बी आर। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मैं एक बॉल ले रहा हूं जिसका मास एम है, ये बहुत छोटी साइज की बॉल है, और ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन पे घूम रही, ये बॉल एक सर्कुलर मोशन पे घूम रही है, और जो एंगुलर स्पीड है वो एंगुलर स्पीड मैं ओमेगा ले रहा हूं। सो आई टेक एंगुलर स्पीड इक्वल्स टू ओमेगा, और ये बॉल को ऐसे घूमना है इस एक्सिस के अबाउट। व्हाट विल बी वेलोसिटी? तो सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा है कि अगर आप इसकी वेलोसिटी लिखोगे, अगर मैं वी लिखना चाह रहा हूं तो वी इज नथिंग बट ओमेगा इंटू आर। ये सबने पढ़ा है कि अगर इस बॉल की वेलोसिटी मुझे लिखनी है वो r डिस्टेंस पे है एक्सिस से, एक्सिस ऑफ सर्कुलर मोशन से, और उसका रेडियस इज r। सो इन दैट केस जो मोमेंट जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू r, एंड वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, और ये ऐसे घूम रहा है। अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखूं कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल, तो कैन आई राइट कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पॉइंट मास इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है किसी भी मास के लिए? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यही तो होती है काइनेटिक एनर्जी। नाउ इफ दिस इज काइनेटिक एनर्जी, डू यू हैव द स्पीड ऑफ पार्टिकल? आंसर इज यस इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड आर। आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगर मैं ये वी की वैल्यू यहां पर डाल दूं तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम हाफ एम v square is omega square into r square।
वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. मैं आर स्क्वायर को पहले लिख देता हूं और ओमेगा स्क्वायर को बाद में लिख देता हूं. सो दिस इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी. अभी आप ध्यान देना, बस आपको बस ध्यान देना है कि इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी है के ई इक्वल्स टू हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. नाउ कैन आई राइट दिस टर्म विच इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ, यहां पे कुछ ब्रैकेट इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये जो ब्रैकेट है वो एम आर स्क्वायर है. ब्रैकेट के अंदर जो है वो एम इंटू आर स्क्वायर है. विल कम टू इट कि इसको हम कैसे डिफाइन करें, क्या नाम दें, मैं आऊंगा. बट मैं इस काइनेटिक एनर्जी को, जिसको हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकता था क्योंकि ये पॉइंट मास है और ये कोई रॉड वगैरह नहीं है, सारा मास जो है वो आर डिस्टेंस पे है. तो उस पॉइंट मास का वेलोसिटी इज ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी में रखा, सो आई एम गेटिंग हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर. ठीक, तो एक तो हम ये यूज करेंगे. अब ये जो एम आर स्क्वायर है इसको एक हम नया नाम दे देंगे इस सिचुएशन में. आई कैन राइट विथ डिफरेंट सिंबल. मैंने यहां पे आई ओमेगा स्क्वायर अगर लिख दिया तो इसका मतलब है कि मैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ, एक इस ब्रैकेट को नाम दे दिया विच इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस केस इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये जो आई है इस सिचुएशन में वो एम आर स्क्वायर है. जो आई है इट इज एम आर स्क्वायर. सो दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पॉइंट मास अबाउट विच एक्सिस, दिस वन. इस एक्सिस के अबाउट जिससे वो आर डिस्टेंस पे है पॉइंट मास, उसके लिए ये एक अलग टर्म हमने डिफाइन किया. काइनेटिक एनर्जी को मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूं और वहां से कंपेयर करके मैंने आई को एम आर स्क्वायर के बराबर रख दिया. मैं कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम को रिलेट करके जा रहे हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नई चीज नहीं है, वो आपको बड़ा लॉजिकल लगेगा कि हाँ ऐसे ही लिखना चाहिए. तो आप समझना मेरी बात, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है. यू शुड नॉट हैव एनी डाउट. कभी कुछ किया ही नहीं डिफिकल्ट पार्ट. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज ओमेगा आर. आई हैव कंपेयर्ड इट विथ समथिंग हाफ इंटू समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर. इसके हमने कंपेयर किया, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पे हाफ इंटू समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर. दैट समथिंग हियर इज एम आर स्क्वायर विच आई कॉल लेटर ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर पॉइंट मास. ठीक है, मैं आपको अब एक दूसरे स्लाइड पे लेके जा रहा हूं और वहां पे आपको मैं कुछ समझाता हूं, वो आप ध्यान देना. सो आई थिंक यू शुड नॉट हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट. इसको मैं हटा दूं और लेटर ऑन विल यूज दिस पार्ट ऑल्सो. तो सपोज मैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं और नाउ यू इमेजिन अ रॉड ऑफ मास m विथ लेंथ l. अब मैंने एक रॉड ले लिया जिसका मास m है और इसकी लेंथ इज l. इस रॉड की जो लेंथ है ये बच्चों l लेंथ है और इसको हम ऊपर से देख रहे हैं. दिस इज टॉप व्यू. आप इस व्यू को टॉप व्यू बोल सकते हो. आई कैन राइट एट दिस पॉइंट, सॉरी आई कैन राइट एट दिस पॉइंट, दिस इज टॉप व्यू. आप ऊपर से देख रहे हो, सो इट इज टॉप व्यू. ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना, ग्रेविटी अविटी मत सोचने की कोशिश करना. ये ऐसे घूम रहा है, आप ऊपर से देख रहे हो. सपोज आप फैन को ऊपर से देख रहे हो, आप देख सकते हो, ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो. तो सपोज वी हैव अ रॉड एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. क्या एंगुलर स्पीड है? ओमेगा, जो उस बॉल के लिए भी था, पॉइंट मास के लिए भी था. मास m ले लो और लेंथ इज l. ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे. बट मान लो कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको नहीं पता क्या है. आई जस्ट वॉन्ट टू राइट इट्स काइनेटिक एनर्जी. आई विल नॉट बदर अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है क्या नहीं है, मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी है. अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम मेरी बात से एग्री करोगे. और वो एग्री करने वाली बात क्या है, टॉप व्यू मैं हटा दूं, सबको समझ में आ गया कि टॉप व्यू है. इस पार्ट को मैं हटा देता हूं और अब आप मेरी बात ध्यान से समझना. वो ये कि अगर इस रॉड में मैं अलग अलग पॉइंट्स लूं, जैसे एक ये एंड है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उसकी उसी पॉइंट से डिस्टेंस इज जीरो, तो ये रेस्ट पे है, इट इज नॉट मूविंग. नाउ आई मे हैव अ पॉइंट एट दिस, इसकी कुछ वेलोसिटी हो सकती है. यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, इसकी कुछ अलग वेलोसिटी है. यहाँ पे अलग पॉइंट है, इसकी कुछ अलग वेलोसिटी है. यहाँ पे अलग पॉइंट है, उसकी कुछ अलग वेलोसिटी है. यहाँ पे अलग पॉइंट है, उसकी कुछ अलग वेलोसिटी है. हाउ मेनी पॉइंट्स कैन यू इमेजिन, कितने पॉइंट्स आप इस रॉड में इमेजिन कर सकते हो? आई कैन इमेजिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स.
किसी भी दो पॉइंट के बीच में मैं एक पॉइंट और इमेजिन कर सकता हूं, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। बट मैंने आपके सामने ये कुछ पांच पॉइंट्स बना दिए हैं, और जो बड़ी डंडी बना रहा हूं वो इंटेंशनल है, वो ये बताने के लिए कि एक्सिस से जितना दूर जाओगे ओमेगा इंटू आर में आर अगर आप बढ़ाओगे तो वी बढ़ेगा। इसका मतलब एक्सिस वाला पॉइंट रेस्ट पे होगा, मैक्सिमम स्पीड सबसे दूर वाले एंड की होगी, इसलिए मैंने वो लाइंस की लेंथ भी अलग अलग रखी है। अब वन थिंग इज फॉर श्योर कि आई कैन नॉट राइट हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग पॉइंट का वी अलग अलग है। कौन सा वी लू मैं नहीं ले सकता। यहां एक छोटा सा पॉइंट मास इमेजिन करूंगा उसकी अलग वेलोसिटी है, यहां इमेजिन करूंगा उसकी अलग वेलोसिटी है, यहां इमेजिन करूंगा उसकी अलग वेलोसिटी है, यहां इमेजिन करूंगा उसकी अलग वेलोसिटी है, तो उन सब की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल के आई शुड ऐड, तब जाके मुझे इस रॉड की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब अगर मैं आपको यह समझाऊं कि भाई इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ समेशन, जब कंटिन्यूस आप ऐड करते हो किसी चीज को तो वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो बड़ा बेसिक इंटीग्रेशन है जो सबको बड़ा इजी लगेगा, आप निकाल सकते हो। मैं कुछ इसमें इमेजिन कर रहा हूं, आप भी कोशिश करो। मैं क्या करता हूं, आई विल गो अ डिस्टेंस एक्स, और मैं एक्स डिस्टेंस पे जाके एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस से जाके एक बच्चों डीएक्स लेंथ इमेजिन कर लेता हूं कि यार एक छोटा सा डीएक्स लेंथ इमेजिन किया, उस डीएक्स लेंथ का कुछ मास होगा, वो मास में लिखूंगा। और सिंस तुम सभी स्मार्ट इंजीनियर्स हो तो डीएक्स लेंथ की जो मास है वो यूनिटरी मेथड से लगा निकाल सकते हो कि एल लेंथ का मास एम है तो डीएक्स लेंथ का क्या मास होगा, सो इट विल बी एम बाई एल इंटू डीएक्स। तो जो डीएक्स लेंथ का मास है that mass will be m by l into dx, तो मैं यहां पे dx की जगह पे dm लिख दूं कि that dm which is a mass of this length dx can be calculated by unitary method, और उस unitary method से हमें dm मिल गया, it is m by l into dx, mass आ गया। now when you have mass और can you get the velocity, x distance पे हो omega से घूम रहा है, so this velocity v is nothing but omega into x, ye v aa gaya, so you have velocity, you have mass of this element, ab ye element axis se x dur hai to iski kinetic energy ko I'll write dk, ki iski jo kinetic energy hai wo bahut choti si kinetic energy hai, I'll say ki ye dk hai, aur kinetic energy is nothing but half into mass which is dm into v square, isme to kisi ko doubt nahi hai ki kinetic energy ye honi chahiye। अब अगर मैं dm की वैल्यू यहां पे रख दूं और v की वैल्यू रख दूं तो देखो क्या आया, सो आई विल गेट dk इक्वल्स टू हाफ, इन प्लेस ऑफ dm आई विल राइट m बाय l, dx को मैं इधर रख देता हूं और v स्क्वायर को आई विल राइट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये dk है। सो इफ यू वॉन्ट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे ये dx dx वाले मैं जोड़ दूं तो यू विल गेट कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड करने का मतलब है इसका इंटीग्रेशन करना, और इफ यू विल इंटीग्रेट दिस डी के, अगर आप बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं इधर भी और इधर भी, यू विल गेट नेट काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी वो मैं लिख रहा हूं यहां पे, सो दैट काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल विल बी हाफ एम बाई एल, ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लिया मैंने, एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर को बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर डीएक्स, जो भी 11th में फंडामेंटल कैलकुलस पढ़ता है फिजिक्स में, आपको मैथ्स के कैलकुलस की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिस इज गोइंग टू बी एक्स क्यूब बाई थ्री, और ये जो एक्स क्यूब बाई थ्री आ रहा है इसमें अगर मैं लिमिट रख दूं जीरो से एल, मैं यहाँ पे लिमिट एक्स की जीरो से एल रख सकता हूँ, सो इट विल गिव यू एल क्यूब बाई थ्री, सो वेन आई विल पुट एल क्यूब बाई थ्री, नीचे से एक एल कट जाएगा, सो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कैन बी रिटर्न एज हाफ, इसको अलग कर दिया। अब बच्चों मैं एम एल स्क्वायर बाई थ्री को अलग ले लेता हूं इंटू ओमेगा स्क्वायर, अगेन आई विल कंपेयर काइनेटिक एनर्जी विथ अ टर्म लाइक हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मुझे कंपेयर करना है, तो जब मैंने कंपेयर किया तो मुझे मिला कि यहां पे जो आई आ रहा है वो एम एल स्क्वायर
बाई थ्री के बराबर आ रहा है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है ये एम एल स्क्वायर बाई थ्री के बराबर आ रहा है। अगेन मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी और काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल अलग फॉर्मूला नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से ही लिखा, बट सिंस अलग अलग पार्टिकल का वी अलग अलग है और डीएम में एक डीएक्स का एलिमेंट जुड़ा हुआ है तो मैं नॉर्मली ऐड नहीं कर सकता, आई नीड टू इंटीग्रेट इट। और जब मैंने इंटीग्रेट किया तो वही हाफ एम वी स्क्वायर जो किसी एक छोटे से पॉइंट का था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब उसको मैंने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से कन्वर्ट कंपेयर किया तो मुझे जो आई मिला वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री मिला। यानी रॉड जब अपने किसी एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है, सो इन दैट सिचुएशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो ये वाली एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अगर मैं एक्सिस चेंज करूं, सेम रॉड लूं, तो क्या रिजल्ट बदल जाएगा? आंसर इज यस, बिल्कुल बदल जाएगा रिजल्ट, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो एम एल स्क्वायर बाई थ्री है ये हर एक एक्सिस के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ उस एक्सिस के लिए वैलिड है जो एंड से पास हो रहा है। अगर एक्सिस हमारी यहां कहीं होती तो जो मैं लिमिट रख रहा हूं जीरो से एल एक्स की लिमिट, वो लिमिट मैं माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू रखता। एक्सिस मिड पॉइंट पे है और ये एल बाई टू, ये एल बाई टू, तो मैं माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू लिमिट रख देता। और जब वो लिमिट आप रखते तो यहां पे जो एल क्यूब आया वो एल बाई टू का क्यूब आता और एक माइनस एल बाई टू का क्यूब आता जो मैं डिफरेंस लेता दोनों का। सो व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, नॉट एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इट इज गोइंग टू बी एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व। तो मैंने अभी कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखी और काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करके बताया कि यार एक कुछ कॉमन सा टर्म आ रहा है हर किसी फिगर के लिए अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, मुझे कुछ वैल्यू मिल रही है जिसको मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया नाम दे रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री। मैं एक बार साइड होता हूं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आप एक बार आराम से इसको देख लो, मैं आपको एक टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है जब रॉड ऐसे घूम रहा है तो इस एक्सिस के अबाउट इज एम एल स्क्वायर बाई थ्री। अभी मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अब एक जनरल फॉर्मूला लिखूंगा और समझाऊंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग फिगर के लिए कैसे आप निकाल सकते हो और उसके साथ साथ आपको याद भी रखना है। सो आई थिंक आपने बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, दैट मीन्स मैं इस पार्ट को हटा सकता हूं। सो एक बात समझो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहीं आसमान से उतर के नहीं आया, जो भी चीजें आपने अभी तक पढ़ी हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, उसी से आगे मैं उसको कंपेयर कर रहा हूं हाफ इंटू समथिंग इंटू ओमेगा स्क्वायर, और जो वो समथिंग है उसी को हम एक नया टर्म दे रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, नॉट स्पीड, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड। दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस। तो जब एक्सिस आप चेंज करते हो, एंड की जगह मिड पॉइंट से जाए, मिड पॉइंट की जगह एल बाई थ्री डिस्टेंस पे जाए एंड से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट ये वैल्यूज अलग अलग होंगी। ऑल राइट, ओके। तो बच्चों मैं अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला एक बार डराइव करके, तो डराइव कर ही दिया है आपको, एक जनरल डिस्क्रीट मास के लिए और कंटिन्यूस मास के लिए लिख के दे रहा हूं और फिर हम वहां से आगे बढ़ते हैं। तो सपोज आई हैव एन एक्सिस, मेरे पास एक एक्सिस है और इस एक्सिस से आर डिस्टेंस दूर आई हैव अ पॉइंट मास, एक छोटा सा पॉइंट मास ले लेते हैं। सो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने सबसे पहले आपको एक ब्लू कलर का मास दिया था और फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे थे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वॉज वॉट एम इंटू आर स्क्वायर, वहां पे कैपिटल आर था, यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, पूरा का पूरा मास एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है। तो कभी भी डिस्क्रीट मास का सिस्टम होगा, अगर अगर मैं एक
छोटी सी बॉल ले रहा हूं, बगल में कोई बोले नहीं मैं तो दूसरी बॉल भी लूंगा, फिर कोई बोले मैं तीसरी बॉल भी लूंगा, तो मैं सबको ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर एक बॉल का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो इट विल बी आई इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर एक बॉल के लिए। अब सपोज इसको मैं बच्चों छोटा करता हूं और मैं यहां पे रख देता हूं, सपोज आई हैव मेनी बॉल्स और उसमें मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं, तो मैंने एक लाइन खींच दी। और अब आप समझना, ये एक्सिस है, आई मेक फ्यू बॉल्स लाइक यहां पे एक बॉल रख देते हैं विच इज एट अ डिस्टेंस आर वन, इसका मास इज एम वन, देन आई कैन यूज अ डिफरेंट कलर बॉल, यहां पे आर टू डिस्टेंस पे एक मास रख दिया, दिस मास इज एम टू, एक और मास ले लेते हैं, लेट द कलर बी ग्रीन, यहां पे आर थ्री डिस्टेंस पे कोई मास मैंने एम थ्री रख दिया। सो नाउ आई हैव व्हाट, एम वन एम टू एम थ्री, तीन पार्टिकल्स हैं, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये सारे छोटे छोटे पॉइंट मास के डिस्क्रीट पार्टिकल्स, कोई कंटिन्यूअस नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ठीक। अब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो आई कैन राइट आई इक्वल्स टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज एम इंटू आर वन स्क्वायर, तो एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, यही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आ गया। और अगर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिखूं, सो आई कैन राइट आई इक्वल्स टू समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समेशन एम आई आर आई का स्क्वायर विल गिव यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम वन आर वन स्क्वायर एम टू आर टू स्क्वायर एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, अगर एक्सिस से आर वन आर टू आर थ्री पे हैं जैसे कि वो डायग्राम में मैंने दिखाया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको, इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब अगर दो तीन की जगह सिंपल सा एक पॉइंट मास है, सो आई कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज जस्ट एम आर स्क्वायर, कोई और है ही नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों यहां पे एम आर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब एक बात मेरी आप और ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिचुएशन में पूछूं, फॉर एग्जांपल मैं बच्चों ऐसे आप देखना, अगर मैं एक इस पॉइंट मास को ऐसे खींच के एक रॉड बना दूं, मैंने किया क्या, मैंने ये जो पॉइंट मास M था उसको पकड़ा और ऐसे खींच के M मास को R डिस्टेंस पे ही रखा, सो इट विल अपीयर अ रॉड टू यू, आपको ये एक M मास का रॉड दिखने लगा, और इसकी कुछ लेंथ भी हो सकती है, L लेंथ भी हो सकती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एक्सिस इसके पैरेलल है। अभी जो रॉड वाला केस आपने किया था उसमें रॉड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो ये सिचुएशन थी, एक्सिस वॉज परपेंडिकुलर टू रॉड, लेकिन इसमें क्या है कि जो ये रॉड है वो ऐसे रोटेट कर रहा, आप समझना, इफ दिस इज एक्सिस और ये रॉड है तो ये सिचुएशन है, ये डिफरेंट सिचुएशन है, दिस इज अ डिफरेंट सिचुएशन देन दिस, ये दोनों डिफरेंट सिचुएशन है ना, सो इट विल अपीयर टू यू एज इफ दिस इज अ रॉड, लेकिन आप सोच के देखो, इस रॉड को मैं वापस ऐसे छोटा करूं तो एक पॉइंट मास बना सकता हूं, और इसी को मैंने खींच दिया तो ये रॉड बन गया, सो दिस मींस कि मैं इस रॉड पे छोटे 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 मास ले लूं और यही फॉर्मूला लगा दूं, एम वन आर स्क्वायर एम टू आर स्क्वायर एम थ्री आर स्क्वायर, जब सबको क्लब करूंगा मुझे मिलेगा यही एम वन आर स्क्वायर एम टू आर स्क्वायर एम थ्री आर स्क्वायर, क्योंकि सारे आर आर डिस्टेंस पे है, और सारे एम को ऐड करूंगा आई विल गेट दिस एम जो था पॉइंट मास का, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है, इसी पॉइंट मास को आपने ऐसे खींच दिया तो ये रॉड बन गया, इसका भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर है,
क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट चेंज नहीं हुआ, अभी भी सारा का सारा मास आर डिस्टेंस पे ही रखा है। सो इस सिचुएशन का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर। तो इसमें किसी को डाउट नहीं है ना, इसमें किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था, बहुत ईजी था। अब सपोज मैं ये हटा देता हूं, मैंने ये हटा दिया, वापस मैं पॉइंट मास में आ जाता हूं, वापस मैं बच्चों पॉइंट मास में आ जाता हूं। अब आप वापस मेरी बात समझने की कोशिश करो, और वो बात ये है कि सपोज मैं इस पॉइंट मास को, इसी पॉइंट मास को खींच के रिंग बनाऊं। सो उस सिचुएशन में, उस पॉइंट मास को खींच के अगर मैं रिंग बनाऊं, तो उस सिचुएशन में डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आया? तो मैं बच्चों इसको देखो, इसको खींच के मैं ऐसा एक रिंग इमेजिन कर सकता हूं, दिख रहा है आप लोगों को, एक इस तरह का रिंग इमेजिन कर लिया, एक इस तरह का रिंग इमेजिन कर लिया, एक रिंग बना दिया इसके अबाउट, इसके अबाउट एक रिंग बना लिया। ये रिंग मैं थोड़ी मोटी भी कर सकता हूं, इफ यू परमिट मी, मैं इसको थोड़ा सा मोटा भी कर सकता हूं रिंग को, आप ध्यान देना, ऐसे भी आपको दिखा सकता हूं कि हमने इस तरह से एक रिंग बना ली है, हमने इस तरह से एक रिंग बना ली है, और उस रिंग को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सपोज ये सिचुएशन है, पॉइंट मास लिया और उसको ऐसे खींच के एक रिंग बना दिया। अभी भी जब आप एक्सिस से डिस्टेंस देखोगे, इस रिंग पे छोटे छोटे मास आप इमेजिन करने की कोशिश करो, तो एक्सिस से सारे मास जो है वो इक्वल डिस्टेंस स्मॉल आर पे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मास का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे एक्सिस के अबाउट, वो मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा है, सारे मासेस अभी भी आर डिस्टेंस पे हैं, इसलिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस दिख रही है आपको, इट इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर, इट इज गोइंग टू बी एम आर स्क्वायर। ठीक, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। मैं तुम्हें बस ये दिखा रहा हूं कि क्या चेंजेस हैं, अगर मास के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अब सिंस टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आज की क्लास हमें खत्म करनी है, मैं आपको एक प्रॉब्लम के साथ एज अ होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ के जा रहा हूं, जिसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और उसके साथ साथ आपको एक फॉर्मूला बच्चों मैं और बता रहा हूं, एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहा हूं, विच इज फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम। तो एक तो ये समेशन एम आर स्क्वायर का फॉर्मूला बता दिया मैंने पॉइंट मास के लिए, इसको ऊपर कर देते हैं। अगर कभी किसी कंटिन्यूअस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है हमें, सो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज नथिंग बट इंटीग्रेशन डीएम इनटू आर स्क्वायर, ये कर देंगे, उसमें समेशन था, इसमें इंटीग्रेशन है विच इज डीएम इनटू आर स्क्वायर, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे, कंटिन्यूअस बॉडी का कुछ आपको बताऊंगा निकाल के कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। बट आपके होमवर्क के लिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, लेट मी सी कि कौन कौन कर सकता है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं कि आई विल गिव यू थ्री पार्टिकल्स विच आर एट द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, तीनों वर्टेक्स पे आप मासेस रख दो, और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो इमेजिनरी है, कोई रॉड से कनेक्टेड नहीं है, उस साइड की लेंथ आप एल ले लेना, इसका जो मास है वो 4 kg का मास है, इसका मास 2 kg का मास है, और इसका मास 6 kg का मास है। ये एल की वैल्यू आप 1 meter इमेजिन कर सकते हो, ये एल की वैल्यू आप 1 meter इमेजिन कर सकते हो। तो दिस इज अ टॉप व्यू, आपको सामने से ऊपर से देखने पे ऐसा दिखाई दे रहा है 2, 4, 6 एंड लेंथ इज 1 meter। यू हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल द एक्सिस जो मैं आपको दूंगा, आपको मैं बहुत सारी एक्सिस दे रहा हूं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। तो मैं आपको अलग अलग एक्सिस दूं, एक एक्सिस देखो, जो भी मैं एक्सिस अभी बना रहा हूं वो सारी एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हैं,
इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक एक्सिस जो है उसको मैं ऐसे बना लेता हूं, परपेंडिकुलर है ये ध्यान रखना, एक एक्सिस आपको यहां बनानी है, इमेजिन करनी है, मतलब ऐसे एक एक्सिस आपको यहां बनानी है। आई विल से कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम आप I6 दे देना। एक एक्सिस ऐसे है जो इस मास से जा रही है, उसको मैं ऐसे इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं तुम्हें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। सिंस दिस इज 4 kg, यू कैन नेम इट I4। एक एक्सिस आपका इस 2 kg से जा रहा है, दैट मींस ये एक्सिस है, ठीक है। तो ये तीनों तुम्हें समझ में आ गया, ये डॉट का नोटेशन भी काम कर जा रहा है, मैंने पॉइंट मास से मास को भी बनाया, डॉट से बनाया, इसका नाम I2 है। तो ये तीनों आपको बताना है, और एक्सिस दे रहा हूं मैं, आप घबराना मत, आपका पूरा घर पे टाइम यूटिलाइज होगा, एंड इट इज गुड यू शुड नो कि क्या वैल्यूज आ रही हैं। एक बच्चों मेन जो एक्सिस है वो ये है, वो ये है, और ये एक्सिस है सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस, राइट। ये वाली जो एक्सिस है ये सेंट्रॉइड से पास होने वाली एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आप नाम दे सकते हो आई सेंट्रॉइड, दैट मीन्स IC। तो एक एक्सिस, दो एक्सिस, तीन एक्सिस, चार एक्सिस, इन चारों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एक एक्सिस आपको फाइनली मैं और दे रहा हूं, एक एक्सिस मैं आपको फाइनली और दे रहा हूं, और वो ये एक्सिस है, ये एक्सिस इस प्लेन पे है, दैट मीन्स एक मैं आपको बच्चों ये एक्सिस इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं, जो ये 6 और 2 kg मास से पास करके जा रही है। एक लाइन इमेजिन करो, एक लाइन इमेजिन करो विच इज पासिंग थ्रू 2 kg एंड 6 kg। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का क्या होगा, दिस ग्रीन लाइन इज ऑन दैट प्लेन, उसी प्लेन पे, इट इज नॉट परपेंडिकुलर। सो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है, आपसे नहीं बनेगा मैं आपको बताऊंगा, आप इसको सॉल्व करना, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर डाल सकते हो, कैलकुलेट करके जो भी आंसर आप निकालो कमेंट सेक्शन में आंसर आप डाल देना कि सर इनकी क्या वैल्यूज है, इसको क्या नाम दें, क्या चाहते हो इसका नाम क्या होना चाहिए, वो नाम ले लेते हैं। ग्रीन वाले को क्या नाम दें, आई हॉरिजॉन्टल, अगर इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन ले रहे हो तो सिंस दिस इज हॉरिजॉन्टल यू कैन नेम इट एज आई हॉरिजॉन्टल। सो बच्चों दैट्स ऑल फॉर नाउ, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से आगे चलेंगे, कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें निकालने की कोशिश करेंगे। सो फॉर नाउ दैट्स ऑल, इतना ही आज हम कर पाएंगे आज के क्लास में, थैंक यू सो मच।